दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बेसिक सर्किट कंपोनेंट। इसमें हम बात करने वाले हैं पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखते हैं कि पैसिव कंपोनेंट क्या है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट व्हिच कैन ओनली रिसीव एनर्जी, व्हिच कैन डिसिपेट, एब्जॉर्ब और स्टोर इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि पैसिव कंपोनेंट वो है जो एनर्जी को रिसीव करता है, डिसिपेट करता है, एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। और दूसरा बात क्या देखेंगे कि पैसिव डिवाइस जो होते हैं वो कभी भी गेन नहीं करते हैं और एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से हैं? जनरली हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में पैसिव कंपोनेंट रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीन प्रकार के हैं। और इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो रेजिस्टर, रेजिस्टर क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो करंट फ्लो को अपोज करता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। दैट इज, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। तो जो ये करंट को अपोज करने का जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस, और इसको डिनोट करेंगे आर से, और इसका जो यूनिट है वो हमारा हो जाएगा ओम। अब इसकी सिंबल देख लेते हैं। इसका जो सिंबल है वो आर हो गया, और ए हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? तो हम ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे हमारा जो फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस का वो हमारा हो गया रो एल बाई ए, वेयर जहाँ पे आर जो है रेजिस्टेंस है, रो जो है वो रेजिस्टिविटी है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और एल जो है जो हमारा लेंथ हो गया, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और ओम्स लॉ से हम इसको देख सकते हैं कि हम आर इज इक्वल टू वी बाई आई भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस को हम देखेंगे कि अगर डिफरेंट रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो सीरीज कनेक्शन देख लेते हैं। जब हमने डिफरेंट रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड किया तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सारे का सम हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो हमारे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर एन तक का जितने भी रेजिस्टेंस है सारे का सम जो हो जाएगा वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं पैरेलल के केस में। अगर हमने डिफरेंट रेजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट किया है तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा आर अपन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री डॉट डॉट प्लस वन अपन आर एन हो जाएगा। ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। और अब देखते हैं इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फॉर्म में। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। सो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करेंट फॉलोइंग थ्रू इट। तो इसकी जो टेंडेंसी होती है चेंज ऑफ करेंट को अपोज करने का उसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे एल से, और इसका जो यूनिट है वो हमारा हो गया हेनरी। अब इंडक्टेंस हम निकालेंगे कैसे? तो हम एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है, और इसमें हम एक क्वाइल लगा देते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है जिसको हम एन से डिनोट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एल इजकल टू एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल। और इसको हम ये भी लिखते हैं वी एल डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका हम फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में क्या होता है? जो हमारा इंडक्टर के केस में बी जो होता है वो आई को 90 डिग्री से लीड करेगा, और आई जो है वो बी को 90 डिग्री से लैग करेगा। तो इसका सीरीज कनेक्शन भी देख लेते हैं। तो इंडक्टर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे डिफरेंट इंडक्टर को, तो इसका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो हमारा ये जितने भी इंडक्टर है उसका सम के बराबर हो जाएगा। यानी कि एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस डॉट डॉट प्लस एल एन, ये हो जाएगा हमारा। अब अगर हम डिफरेंट इंडक्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? तो अगर हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा एल इक्विवेलेंट जो है वन अपन एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपन एल वन प्लस वन अपन एल टू प्लस डॉट 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 वन अपन एल एन हो जाता है।
अब हम कैपेसिटर को भी देख लेते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? ये भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो अपोज करता है, जो प्रोसेस करता है हमारे एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारे एनर्जी को स्टोर करेगा चार्ज के फॉर्म में, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इसका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो इट इज डिनोटेड बाई सी एंड इट्स यूनिट इज फैराड, यानी इसको हम सी से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो हो गया फैराड। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी हो गया। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, और दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाता है क्यू बाई वी। यहाँ पे क्यू क्या है? जो चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर, और वी जो है सो कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया। तो इस फॉर्मूला से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका सिंबल। तो कैपेसिटर का सिंबल ये हो गया, और कैपेसिटर के केस में हम क्या देखते हैं, जो हमारा वी सी है वो करंट को लैग करेगा 90 डिग्री से। और ये फेजर डायग्राम को कंसिडर करने का एक सिंपल मेथड क्या है? जैसे हमने लिखा सीविल, CIVIL, तो इसमें हम पहले तीन को देखेंगे। ये सी हमारा कैपेसिटर को डिनोट करेगा, एल हमारा इंडक्टर को डिनोट करेगा। तो इस केस में हम इधर से देखेंगे तो जो आई है वो वी से पहले आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? जो करंट है वो वी को लीड कर रहा है 90 डिग्री से, ये समझेंगे हम। और इंडक्टर के केस में इन तीनों को लेंगे तो इधर से देखेंगे तो इसके केस में क्या है, जो आई है वो हमारा वी से पहले आ रहा है। तो इस केस में क्या देखेंगे, जो वी है वी हमारा लीड कर रहा है 90 डिग्री, किससे? करंट से। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब डिफरेंट कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस डॉट डॉट प्लस वन अपॉन सी एन। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सीरीज कैपेसिटेंस हो जाएगा। पैरेलल के केस में हम देखेंगे इसको, तो पैरेलल के केस में क्या होता है, जब हम डिफरेंट कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमारा सारे कैपेसिटर का सम के इक्वल होगा। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस सी वन। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। सो इस वीडियो में हमने पैसिव कंपोनेंट के बारे में बात किया, सारे पैसिव कंपोनेंट के हमने फॉर्मूले देख लिए, फेजर डायग्राम भी देख लिया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।